क्या आप जानते हैं नीलामी के वक्त भी कई ऐसी जरूरी बातें हैं जो लोगों को फायदा पहुंचा सकती हैं। अगर कोई शख्स लगातार 2 महीने तक ईएमआई जमा नहीं करता है तो बैंक उसे रिमाइंडर भेजता है। रिमाइंडर भेजने के बाद भी तीसरी किश्त जमा नहीं होने की स्थिति में व्यक्ति को कानूनी नोटिस भेजा जाता है। इसके बाद भी किश्त जमा नहीं करने पर बैंक उस प्रॉपर्टी को एनपीए घोषित कर देता है और संबंधित व्यक्ति को डिफॉल्टर। सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स। कोई भी लोन खाता 1 साल तक सब स्टैंडर्ड एसेट्स कैटेगरी में रहता है। इसके बाद डाउटफुल एसेट्स और जब लोन वसूली की कोई उम्मीद नहीं रहती है तब उसे लॉस एसेट्स माना जाता है। इसी कैटेगरी में ही नीलामी हो सकती है। असेट की नीलामी से पहले बैंक को उसके उचित मूल्य को लेकर नोटिस जारी करना होता है। इसमें रिजर्व प्राइस और नीलामी के समय का जिक्र होता है। अगर बोरोअर को लगता है कि असेट की कीमत कम रखी गई है तो वो इसे चुनौती दे सकता है। वहीं काम की बात ये है कि अगर नीलामी से मिली रकम से लोन क्लोज होने के बाद रकम बचती है तो बची हुई रकम आप बैंक से ले भी सकते हैं।